Let us see, students, in this chapter the important topic is what? Motion, right? So first of all we will study motion. So what is motion? देखिए कि हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और हमने उसको क्या कर दिया, किक कर दिया. तो क्या होगा कि जो बॉल है वो पहले कौन से पोजिशन में थी, पॉइंट ए पे थी, लेकिन अब जब हमने इसको किक कर दिया तो इट विल गो टू द बी, राइट. सो क्या हुआ कि जब ही हमने बॉल को किक किया तो वो जो है वो बी पे चले जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट हैपन्स हियर, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. व्हाट हैपन्स हियर, चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो व्हाट वी विल से दैट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन, राइट. सो दिस इज द डेफ. नाउ सी स्टूडेंट्स, एट टाइम टी वन, अगर वो टी वन समय पे उसकी पोजीशन क्या थी, पॉइंट ए पे थी, तो कुछ देर के बाद जब हम T2 टाइम पे देखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, B. तो अब हम इसके डेफिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इस वीडियो में आप जो है वो बिल्कुल सही डेफिनेशन से याद करेंगे, है ना. और इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा आपको इलेबरेटिव आंसर्स नहीं लिखने हैं, बिकॉज साइंस में जो होता है वो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली लिखना है. तो इफ़ टी वन टाइम पे वो ए पोजीशन में थी और टी टू टाइम पे वो बी पोजीशन में थी, तो फिर हमने क्या देखा कि विद द चेंज इन टाइम, टाइम जैसे ही बदला तो पोजीशन भी ऑब्जेक्ट का बदल गया. तो चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो यहाँ पे हमें लिखना है चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट, क्योंकि टाइम के साथ में जब ही हमारा पोजीशन बदलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन, राइट. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन. सो प्राइमरीली टू टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन, ओके. फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड द सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. सो यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स के मोशन है. पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन और दो सेकेंड है वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो चलिए हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है. अब देखिए कि आपके पास अगर कोई कार है, ठीक है, कार से आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, इस प्लेस पे जाना है आपको, तो इस कार से आपने स्टार्ट किया, ठीक है. तो आप क्या करते हो कि आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं और आपके पापा जो हैं वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, ठीक है. कुछ देर ये टी वन टाइम पे हम देखते हैं कि आपके पापा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं. उसके बाद इस टाइम पे भी, टी टू टाइम पे भी हम देखते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से चलाते हैं और आप जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है. तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है, ये यहाँ पर भी क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर थी, और यहाँ पे भी 5 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे भी 5 किलोमीटर पर आवर, यानी पूरे होल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो बदल रही है क्या, नहीं. टी वन टाइम पे भी वो वी है, मतलब, और टी टू टाइम पे भी वी है, और टी थ्री टाइम पे भी वो वी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो. इसका मतलब ये हो गया कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि इफ द वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, जो वेलोसिटी है कांस्टेंट यानी बदलता नहीं है, अगर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है, थ्रू आउट योर ट्रैवलिंग, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. तो ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट. सो व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट. Now you just see the second one. Okay, this is totally different from the first one. Non-uniform motion में हम क्या समझते हैं. तो non-uniform motion मतलब ये होता है कि आप जो है वो कार आपने फिर से क्या किया है, yes, आप जो है वो फिर से आप ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हो, लेकिन अब आपके फादर जो हैं वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, उसके बाद वो 4 किलोमीटर. कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टी वन टाइम पे क्या होता है, उनका स्पीड वी टू, यानी अब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, और फिर वो फिर अब थक गए हैं तो वो जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो फिर से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, फिर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, या कम कर दी. तो हम क्या देख रहे हैं कि थ्रू आउट द ट्रैवलिंग, थ्रू आउट द मोशन, मोशन जब हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो बदलती जा रही है. पहले 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3, फिर 5, 4, फिर 4. तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन। कभी कभी क्या होता है कि आप स्कूल के लिए निकलते हो, ठीक है, तो पहले बहुत स्पीड चलते हो, फिर थोड़ा धीरे चलते हो, फिर धीरे चलते हो, फिर सोचते हो कि टाइम हो गया, तो फिर अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, ठीक है। तो इस तरह से जब आप ट्रैवल करोगे, इस तरह से आप मोशन करोगे, है ना, कभी आपने स्पीड कम कर दी, कभी आपने वेलोसिटी ज़्यादा कर दी, कभी कम कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो हियर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, यस, कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। तो व्हाट वी विल राइट हियर, वेलोसिटी इज चेंजिंग, ओके, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी डज नॉट रिमेन द सेम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पीड, ओके, व्हाट इज स्पीड। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं लेती हूँ कि ये जो है वो आप हैं, और आप जो हैं वो 1 आवर में, यानी 1 आवर में आप कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 5 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर दौड़ते हो, लेकिन वहीं पर आपका जो सेकेंड फ्रेंड है वो 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर उनको भी दिया गया, लेकिन वो सिर्फ 2 किलोमीटर चलते हैं, तो आप क्या कहोगे कि कौन ज़्यादा स्पीड दौड़ रहा है, ठीक है, आप ज़्यादा स्पीड दौड़ रहे हैं, बिकॉज इन 1 आवर यू आर कंप्लीटिंग 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो दोनों में हम कंपेयर करते हैं, तो स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है कि जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है, उतने ही समय में, तो उसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ओके, सो यू गॉट द डेफिनेशन, व्हाट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, राइट। सो चलो हम इसकी यूनिट देखते हैं, ठीक है, यूनिट देखो कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट हम आसानी से बना सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ठीक है। द नेक्स्ट बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या, वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज दिस वेलोसिटी, सो लेट अस सी व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, कि मान लो आप, ये एक बॉल थी, ठीक है, ये एक बॉल है, और वो जो है वो अभी कहाँ पे है, ए पोजीशन पे है, तो टाइम टी पे जब हमने उसको किक कर दिया, तो टाइम टी पे वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसका, अभी जो बॉल है वो यहाँ पे आ जाएगा बी पे, तो अपनी जगह से क्या हो गया, वो डिस्प्लेस हो गया, तो कितना डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, मीन्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी को क्या कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, हाउ मच जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ है, मान लो वो एक्स मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में लिखेंगे, और जो टाइम होगा उसको हम सेकेंड में मेजर करते हैं, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ओके। नाउ स्टूडेंट सी व्हाट इज एक्सेलरेशन, ओके, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, वॉट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज वॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके, वॉट इज दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, बदल रही है, ठीक है। मान लो ये एक कार है आपकी, ठीक है, ये जो है वो एक कार है, और ये जो कार की वेलोसिटी है वो पहले क्या थी, V1, उसके बाद क्या हो गई, V2, इसके बाद V3, इसके बाद V4 और V5, ठीक है। जैसे जैसे टाइम T1 होता है तो उसकी वेलोसिटी V1 हो गई, T2 हुआ तो उसकी वेलोसिटी V2, और T3 हुआ तो V3, और T4 हुआ तो V4 हो गया। मतलब जैसे जैसे समय जो है वो बढ़ता है, तो जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है ना, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, तब हम क्या बोलते हैं उसको, एसेलरेशन। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, वो चेंज होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एसेलरेशन। टाइम के साथ में वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कहलाता है, एसेल। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी व्हाट इज एसेलरेशन एंड डी एसेलरेशन, राइट।
डी एसेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन, ओके। डी एसेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, ठीक है, डी एसेलरेशन। सो एसेलरेशन में क्या होता है कि मान लो ये एक कार है और वो पहले 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, फिर देखते हैं कि जो नेक्स्ट 1 आवर होता है, फर्स्ट आवर में तो वो 10 किलोमीटर चल रही है, सेकेंड आवर यानी दूसरे घंटे में वो 15 किलोमीटर्स की स्पीड से चल रही है, और तीसरे घंटे में वो 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी जो स्पीड है वो 10, 15 और 20 बढ़ती जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं एसेलरेटेड मोशन, ठीक है। और डी एसेलरेटेड हम कब कहेंगे, या रिटार्डेशन, मतलब रिटार्डेशन यानी जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है, यानी यहाँ पे देखिए ये जो कार है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर चलती है, फिर सेकेंड नेक्स्ट आवर में वो 15 किलोमीटर चलती है, और नेक्स्ट आवर में वो 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है और ये 10 है, मतलब यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है, पहले 20 फिर 15 और उसके बाद 10, तो हम इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है तब हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, और अगर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है टाइम के साथ तो हम उसको बोलते हैं एसेलरेशन, राइट। To make your concept clear again, let's see the unit of acceleration, right? So what is acceleration? I have already told you that is the rate of change of velocity, okay? That is what velocity per unit time, hai na? What is this? Velocity per unit time. So velocity is here and time is here. So velocity is measured in meter per second and time in second, right? So meter per second upon second, that will give you meter per second square. So I think ki this concept is clear now and you have understood the unit of acceleration. Acceleration's unit is meter per second square, right? होप स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है मोशन वो आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वॉट इज मोशन। सो वॉट इज मोशन, मोशन इज वॉट, चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ मोशन, इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन टाइप, ओके। यूनिफॉर्म मोशन इज वॉट, कि वैन द वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, वैन द वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम दैन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड वॉट इज द स्पीड, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, एंड वॉट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वॉट, displacement of the object per unit time, right, and its unit is meter per second. Now you just see acceleration, acceleration is what, rate of change of velocity of an object is called acceleration, and acceleration is of two types, first is acceleration and second one is deceleration means retardation. Acceleration ka matlab kya hota hai ki jab bhi velocity jo hai wo body ki wo kam hoti hai, pehle 10 sorry jyada hoti hai 10 phir 15 phir 20 बराबर, तो हम उसको एसेलरेशन बोलेंगे। लेकिन डी एसेलरेशन यानी रिटार्डेशन हम कब बोलते हैं, जब उसकी वेलोसिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होती है समय के साथ साथ, तो हम उसको बोलते हैं डी एसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो फिर होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो और लाइक करो, और अपने इसको आप सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस समय पे मिल सकें।